वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी, सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में मैं इंजीनियर चेतन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि सिविल गुरुजी कंप्लीटली आप लोगों के लिए टेक्निकल स्किल्स बढ़ाते हुए कंप्लीटली डेली वीडियोस अपलोड करते हैं। कम से कम दो वीडियोस डेली आते ही है जिसमें आप लोगों के लिए हम टेक्निकल स्किल्स के साथ लर्निंग स्किल्स को बढ़ाते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियसली मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे जिसमें मैंने बिल ऑफ क्वांटिटी और रेट एनालिसिस के बारे में कंप्लीटली बताया। तो रेट एनालिसिस की वीडियो अगर आपने बिल ऑफ क्वांटिटी की वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे दूंगा मैं, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीटली मैं आगे बढ़ाता हूं। और साथ में उसमें मैंने कंप्लीटली एक्सेल शीट भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया था। ऐसे ही हमारे सभी ट्रेनर्स जो आप लोगों के लिए लर्निंग स्किल्स को बढ़ाते हुए टेक्निकल वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरह की जॉब स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए जब आप कोई भी जॉब लेने जाते हैं। देखिए टेक्निकल स्किल्स तो हम इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन जॉब स्किल्स कब इंप्रूव करेंगे? टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आप लोगों के लिए आपकी ही अपनी ऐप जो कि है सिविल गुरुजी, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और साथ में वेबसाइट है www.civilguruji.com, जो कि आप लोगों के लिए आप लोगों की टेक्निकल स्किल्स बढ़ाने के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिसमें कंप्लीटली कोर्सेज अवेलेबल है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स, गुरुजी का खजाना कोर्स, जिसमें भारी डिस्काउंट भी आजकल चल रहा है, और गुरुजी कूपन कोड से आप उस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं एक बहुत अच्छे डिस्काउंट के साथ। और ईएमआई पैटर्न में भी आप जा सकते हैं। ईएमआई पैटर्न के लिए आपको कॉल करना है 9111001234 पे। तो आइए दोस्तों जानते हैं किस तरह की जॉब स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं। सबसे पहला जॉब स्किल्स की हमारे पास रेज्यूमे, एक अच्छा रेज्यूमे हमारे पास होना चाहिए। देखिए रेज्यूमे अच्छा कब होगा, मतलब उसको सुंदर बनाए तब अच्छा होगा? नहीं दोस्तों, अच्छा होगा जब हम उसमें हॉबीज ना लिखकर हम उसमें कंप्लीटली टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्टवेयर स्किल्स को अंदर लिखेंगे, तब जाके हमारा रेज्यूमे अच्छा होता है। हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है जब हम रेज्यूमे लेकर जाते हैं कंपनी के पास और कंपनी हमारा रेज्यूमे देख के ही सीधे हमें बाहर कर देती है? क्यों, क्या रीजन, क्या समझा आपने उससे? उसके कारण केवल एक था, जो आपका रेज्यूमे था वो उस कंपनी की प्रोफाइल पे आपका मैच नहीं हुआ। वो जो जॉब प्रोफाइल निकाली थी उस कंपनी में, वो आपका रेज्यूमे वहां तक नहीं पहुंच पाया। आपको अपना रेज्यूमे एक विजिटिंग कार्ड की तरह सोचना। जिस तरह से विजिटिंग कार्ड लोग अच्छा बनाते हैं, अच्छा बनाना चाहिए, मैं भी आप लोगों को राय दूंगा, विजिटिंग कार्ड जितना सस्ता होगा उतना आपके बिजनेस को आगे बढ़ने में कम मदद मिलेगी। तो दोस्तों इसी एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, आपका रेज्यूमे ही सबसे पहले पहुंचकर उस कंपनी के पास जाता है और आपके रेज्यूमे ही चेक होकर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है उस कंपनी के द्वारा। तो दोस्तों आपने रेज्यूमे के लिए कितनी मेहनत की? देखिए रेज्यूमे के लिए एक कोर्स है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया है, सिविल गुरुजी वेबसाइट और सिविल गुरुजी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, इजीली आप वहां पे जाकर देख सकते हैं उसको। और रेज्यूमे के लिए सबसे पहले आपकी टेक्निकल स्किल्स कैसे आएंगी? टेक्निकल स्किल्स, देखिए टेक्निकल स्किल्स क्या होती है, देखिए एस्टिमेशन प्लानिंग। अगर आप किसी कंपनी को जाकर यह बताएंगे कि मुझे पूरी बिल्डिंग का बजट निकालना आता है, ये जो आपके सामने बिल्डिंग खड़ी G+10, इसका पूरा बजट निकाल के बता सकता हूं विद कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, एक एक बिल्डिंग का आइटम निकाल के बताऊंगा मैं, ये होता है एस्टिमेशन प्लानिंग में सीखते हैं ये वाला पार्ट। तो ये पार्ट ये जो होती है टेक्निकल स्किल्स होती है, यदि आपको ये पार्ट आता तो आप इजीली लिख सकते हैं अपने रेज्यूमे में। ये पार्ट हम YouTube चैनल पर तो सिखाते हैं और कोर्स में के अंदर तो पूरा डीपली सिखाया गया है, क्योंकि इतने सारे वीडियोस करीबन 65 वीडियोस मैंने खुद अपलोड किए हैं उसके अंदर, जिसमें आप लोगों को ये कोर्स के अंदर मिलता है। इसके बाद एक टेक्निकल जो कि सभी कॉर्पोरेट कंपनीज को चाहिए होती है, वो क्या है? वो है बार बेंडिंग शेड्यूल इंजीनियर। हर कंपनी आपसे चाहती है कि आपको स्टील बार की कटिंग लाइन निकालना आना चाहिए, सभी तरह की स्टील बार की कटिंग लाइन निकालो, सभी स्ट्रक्चर मेंबर की ड्राइंग को रीड आउट करना आपके अंदर आना चाहिए। तो ये बार बेंडिंग शेड्यूल इंजीनियर होता है, जिसके लिए कंप्लीटली आकाश भौरे सर और इंजीनियर सुदीप सर जो आपके लिए कंप्लीटली मिलकर इस वाले कोर्स को डिजाइन किया है सीक्वेंस वाइज। देखिए इजीली हर जगह अवेलेबल है, मैं अभी भी कहूंगा, लेकिन सीक्वेंस में कहीं नहीं है। उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में तो रखा ही है, साथ में ये टेक्निकल स्किल्स अपने रेज्यूमे में लिखिए तो आपको अलग से जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। चाहे आप फ्रेशर क्यों नहीं है, अगर आप फ्रेशर भी हैं और आप लिखते हैं आप मुझे बार्बनिंग शेड्यूल बनाना आता है, ये आपकी टेक्निकल स्किल्स और आपका जो रेज्यूमे होगा यहां से परफेक्ट रेज्यूमे होगा। सुंदर नहीं बनाना है रेज्यूमे को, क्या करना है, स्किल्स बढ़ानी अपने रेज्यूमे। नेक्स्ट अगर टेक्निकल स्किल्स की बात करूं जो कि रेज्यूमे में लिखना चाहिए, वो है क्वांटिटी सर्वेयर। क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस, मतलब पूरे बिल्डिंग की, मतलब किसी कंपनी में जाकर आप ये बता रहे हैं कि मैं पूरे बिल्डिंग का रेट निकाल सकता हूं एज पर सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और आईएस कोड 7272 जो कि 1974 में अपलोड हुआ है। देखिए अभी मैंने एक आईएस कोड का नाम लिया ना, लिख लीजिए आईएस कोड 7272 जो कि 1974 में अपलोड हुआ है। आप लोगों ने, जितने लोग मैं कहते हैं कि मैं फ्रेशर हूं मुझे जॉब नहीं मिल रही, कंस्ट्रक्शन कंपनी जॉब नहीं देती, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं आपने कितने आईएस कोड के नाम सुने?
केवल आईएएस कोड 456 और आईएएस कोड 800, इनके आधार पे हमें जॉब नहीं मिलेगी। हमें आईएएस कोड पढ़ने पड़ेंगे तभी हम सीख पाएंगे। ये सीखने के लिए हमने इस चीज को आसान भी कर दिया अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में। अब दोस्तों इसके बाद आता है बिलिंग इंजीनियरिंग। देखिए सब बनना चाहते हैं बिलिंग इंजीनियर, लेकिन कैसे बनेंगे? वो बिलिंग इंजीनियर बनने के लिए आप लोगों को आना चाहिए, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पता होना चाहिए आपको, आपको बिलिंग में रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए, साथ में आपको सिलेबरेट बिलिंग, कॉन्ट्रैक्टर का बिल कैसे बनाओगे, अपने क्लाइंट का बिल कैसे बनाओगे। तो उस सबको बनाने के लिए बिलिंग इंजीनियर में अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं बिल बनाने के लिए। साथ में रिकंसिलेशन एंड प्राइस एस्केलेशन, मतलब रिकंसिलेशन मतलब मान लीजिए आपको ऑडिट करना, ये भी काम होता है, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिलिंग इंजीनियर की। मान लीजिए आपको ऑडिट करना अपनी साइट पर कितना आपने सीमेंट भेजा और कितना बचा हुआ है, कितना वेस्ट हो गया या कितना आपने लगवा दिया अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, वो जो वेस्ट हो गया या चोरी हो गया सीमेंट उसको रोकना, अपने साइट पर स्ट्रिक्टनेस लाना एक बिलिंग इंजीनियर का काम होता है अपने साइट। साथ में प्राइस एस्केलेशन, मतलब मान लीजिए कि आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 2009 में और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है और 2019 हो गया खत्म, लेकिन एसओआर आप यूज कर रहे हैं कब, 2005 का या 2006 का, वो कैसे हम फॉलो करें। 2015 में नया एसओआर आ गया, नए रेट आ गए, ऑब्वियसली 2009 में कोई प्रोजेक्ट चालू हुआ, 2019 आ गया, वो कैसे हम डिसाइड करें कि अब इसका रेट कैसे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए कॉफिशियंट होते हैं, वो कॉफिशियंट कहां से मिलते हैं हमको, इंडियन इकोनॉमी एडवाइजरी से मिलते हैं कॉफिशियंट। वो कॉफिशियंट का यूज करके हम क्या करते हैं, एक बिल बनाते हैं हम, जिससे प्राइस एस्केलेशन में हम ज्यादा वर्क कर सकते हैं अपने अमाउंट को। ये दोस्तों क्या होता है, ये सब हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे स्किल्स को बढ़ाता है, जो कि हम अपने रेज्यूमे में लिखते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं और ये सब लिखते हैं अपने रेज्यूमे में, तो आपको जॉब कोई भी कंपनी दे देगा, क्योंकि जॉब जो भी देगा आपको वो आप पे टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं, आपको सिखाने के लिए नहीं देगा, वो जॉब देगा अपना काम करवाने के लिए। वो काम कौन सा होगा, वो काम यही तो होते हैं, एस्टिमेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वे, बिलिंग इंजन, ये काम होते हैं। कुछ और स्किल्स होती हैं जो कि होते हैं सॉफ्टवेयर स्किल्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि मैक्सिमम इंजीनियर्स मुझसे कहते हैं, सर मुझे ऑटो कैड में प्लान बनाना आता है, लेकिन मैंने कहा सबमिशन ड्राइंग बनाना जानते हो, सबमिशन ड्राइंग के अकॉर्डिंग टू बायलॉज जानते हो। तो ये सब क्या होते हैं, टेक्निकल स्किल्स होते हैं जो कि हमें आना चाहिए। दोस्तों इसके बाद एक ऐसा सॉफ्टवेयर रेविट आर्किटेक्चर, जिसमें कंप्लीटली 3D एलिवेशंस क्लाइंट को बताना पड़ता है हमको। मान लीजिए आपको कंसल्टेंसी खोलनी है, बहुत से सारे इंजीनियर्स होते हैं, और यहां तक कि मैं बात करूं सिविल गुरुजी में भी ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो खुद की कंसल्टेंसी ओपन किए हुए हैं। जैसे मैं बात करूं बीबी स्टार कंस्ट्रक्शन कंपनी, नैन कंसल्टेंसी, ब्रिक्स एंड बॉन्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये ऐसी मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन कंपनीज हमारे पास अवेलेबल है जो कि सिविल गुरुजी में आकर सीखने के बाद अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी, अपनी कंसल्टेंसी ओपन किए हैं। तो दोस्तों ये स्किल्स कैसे आएंगी, ये स्किल्स आएंगी रेविट आर्किटेक्चर से। रेविट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर में हम क्या सीखते हैं, 3D एलिवेशंस बनाना सीखते हैं। क्लाइंट के घर का फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, वो यदि हम दिखा दें तो क्लाइंट से हमें पैसा मिलता है वहां से। तो ये भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी या कंसल्टेंसी ओपन करने में आपको बहुत मदद करेगा इस सॉफ्टवेयर। साथ में ईटैप सॉफ्टवेयर, जिसमें क्या होता है स्ट्रक्चर एनालिसिस और डिजाइन होता है। क्लाइंट को ये भी बताना है कि आपके घर का स्ट्रक्चर में कैसे डिजाइन हो, उसमें M25 कंक्रीट लगाना है, M20 कंक्रीट लगाना है, या स्टील बार कितने एमएम ग्रेड की लगानी है, कितना उसका स्पेसिंग होगा, स्टील अप के बार का डाया क्या होगा, स्पेसिंग क्या होगा, वो कंप्लीटली ईटैप सॉफ्टवेयर में हम डिजाइनिंग करते हैं। साथ में एक सॉफ्टवेयर जो कि आपकी क्वालिटी बढ़ाता है, वो होता है MSP, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, मतलब कि उसमें हम शेड्यूलिंग करना, प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग और हैंडलिंग। ये जो स्किल्स मैंने आपको बताई अभी जितनी भी, ये सभी स्किल्स से हम अपनी लाइफ में बेहतर जॉब पा सकते हैं। और साथ के साथ किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में कोई भी फ्रेशर हो, मैं दावा करता हूं इस वीडियो में, कोई भी फ्रेशर इंजीनियर हो, यदि ये स्किल्स उसको आती है तो जॉब मिलने में ज्यादा देरी नहीं लग रही। बस आपको क्या करना है, ये स्किल्स सीखने के बाद आपको किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाके एक्सप्रेस करनी है अपनी नॉलेज को, जो आपने इन पार्ट में सीखा है। हम YouTube पे कंटिन्यूस वीडियो अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों के लिए कंटिन्यूस टेक्निकल स्किल्स पर ही मैं वीडियो लाता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि टेक्निकल से रिलेटेड सभी वीडियो इस चैनल पर जरूर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे लेटेस्ट सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हर बार की तरह। चैनल को लाइक करने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए और कमेंट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ।